गाइस देख ही सकते हो पूरा दरवाजा तोड़ दिया है क्योंकि डैफी के लिए न्यू डोर बना रहे हैं। ऐसे रखोगे तो दोनों तरफ खुलेगा। इसको ऐसा किया ना तो बस एक ही तरफ खुलेगा। समझ। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और बाहर आए भाई सुतार जो कि बहुत खड़खड़ कर रहा है और उसके वजह से मेरी नींद भी हुशार हो चुकी है। और काम देखा तो चल रहा था डैफी के डोर का काम, क्योंकि डैफी बाहर आता है तो पूरा दरवाजा खोलना पड़ता है, इसलिए उसको एक दरवाजे के अंदर नीचे छोटा सा दरवाजा बना रहे हैं ताकि वो वहां से इन आउट कर सके या फिर रूम में से बाहर या तो रूम के अंदर आ सके। तो चलो तुम लोग को भी दिखाता हूं मैं। गाइस देख ही सकते हो पूरा दरवाजा तोड़ दिया है क्योंकि डैफी के लिए न्यू डोर बना रहे हैं यहाँ पे। रुको तुमको डोर भी बताता हूँ मैं बाद में। ओके गाइस, ये है डैफी का डोर। ऐसा खोलेंगे तो डैफी इसमें से जाएंगे, पूरा दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पे बैठ जाएगा ऐसा, तो ये खुलेगा उल्टा। लाल वाला नीचे। हाँ लाल वाला, और इसको कभी ऐसा अपने ये क्या है, लाल और ग्रीन का कॉन्सेप्ट लॉक करना है तो लॉकिंग के ये ऐसा ही रहेगा। ऐसे रखोगे तो दोनों तरफ खुलेगा। इसको ऐसा किया ना तो बस एक ही तरफ खुलेगा। समझ। इधर से अंदर नहीं जाएगा। हाँ। मतलब नहीं सॉरी, इधर से अंदर जाएगा और वहां से बाहर आएंगे। बाहर नहीं आ पाएगा। बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं। अच्छा। अगर आप जब ऐसे करोगे ना। हाँ। फिर अंदर से दोनों तरफ जाएगा। ठीक है। तो गाइस इसको यहाँ पे बिठाने वाले तो एकदम इजीली निकल सकता है डैफी, पूरा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। डैफी को अंदर ला लिया है क्योंकि बाहर वो डर रही थी आवाज से बहुत ज्यादा। अभी अंदर आई है तो मेरे को डर लग रहा है, पर इसको डर नहीं लग रहा, आराम से सो गई है क्योंकि बाहर बहुत शेर बन गया है। ये शेर ब्लेड्स का काम है तो इसको कटवट आ गया, और वैसे भी ये 3 महीने की ही है तो उसको कुछ भी हो गया तो ज्यादा इंजरी हो सकती है। और अभी इसको इंजेक्शन हो गया 1 महीने बाद। अभी 1 महीने के बाद ही ये डायरेक्ट जो भी मेडिकल प्रोसेस है इसका, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तो भाई अपना आराम से सो रहे हुआ एकदम देख सकते हो। आज ब्रेकफास्ट में खाना पड़ रहा है चाय रोटी। वैसे तो मैं खाता हूँ अंडा खीमा वो सब। और ये दादी का नाश्ता जो कि बाहर से अंदर ला गया है। दादी को बाहर कर रहे थे और प्लम्बर आ गया तो दादी को अंदर भेज दिया गया है सुतार वो जो भी। और मैं खाऊंगा ये। और आज यहाँ पे दस्तर बिछाया गया है और दादी को पैर की तकलीफ है, फिर भी दादी नीचे बैठी है। वो बोला था ना नीचे नहीं बैठने का, वो काम चला। तो तुम इधर बेड पे भी बैठ सकते थे। और दादी खा रही है रोट। अगर बांध लिया है यहाँ पे दरवाजे के अंदर पर ये खोल के नहीं जा रहा है, डर रहा है, इसके लिए हम लोग ने इसे बांध दिया है यहाँ पे। तो अभी ये ऐसा ही रहेगा। और अंदर तो एकदम परफेक्टली बैठ गया है ये। और यहाँ से डैफी भी अंदर बाहर कर रही है, बाहर हो रही है जोर से बारिश। और डैफी भी अभी सो गया है यहाँ पे, तो इस कान पे डालते हैं कपड़ा क्योंकि उसको बहुत ठंडी बचती है और अभी तो ये छोटा है बहुत, इसलिए ये बहुत घुसघुस होता है, इसको थोड़ा ऐसा सुलाना पड़ता है। और इसको नाखून भी आ गए यहाँ पे फीट्स पर, तो बहुत लोच रहा है ये।